हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अनुक्रम तथा श्रेणी अर्थात सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले प्रोवाइड करवा दिया है, उम्मीद है कि आपने उसको देख लिया होगा। बेसिक सारी चीजें हमने उसमें कंप्लीट करवा दी, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको देख लें, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्सरसाइज 9.1 के जो सीक्वेंस से संबंधित प्रश्न हैं, बस उनको आज हल करना है। पहली वाली एक्सरसाइज में सारी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं, उनको हल करना है। इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चनों में केवल एनवा पद दिया जाएगा और उसमें पदों को पूछा जाएगा, दूसरा पद बताइए, तीसरा पद बताइए, सारे लगभग ऐसे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। बस मनी हमारे साथ केवल बने रहिए, लास्ट तक सारे प्रश्न आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर एक। तो देखिए यहां पर एक्सरसाइज के 6 प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों में आपको अनुक्रम का एनवा पद समय दिया गया है, जबकि इनमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक अनुक्रम का जो एनवा पद दिया गया है तो उसके आपको प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना है। बस इतना आपसे हर एक प्रश्न में पूछा गया है। तो वो पहला प्रश्न क्या है, लिखा है एनवा पद है कितना, ए एन बराबर दिया गया है एन और इनटू में एन प्लस 2, ठीक। तो प्रथम 5 पद का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो आपको लिखना है एन बराबर 1, तब जब एन बराबर 1 रख देंगे तो आपका ए वन ज्ञात हो जाएगा, ए वन मानी पहला पद ज्ञात हो जाएगा। यहां एन का मान 1 लिख दें, ब्रैकेट में 1 प्लस 2, अर्थात ये आपका हो गया 2 और 1 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना, पहला पद 3 हो गया। अब यदि एन बराबर आप 2 रख देंगे तब आपका दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, मानी ए टू ज्ञात हो जाएगा। तो एन के जगह आपको लिखना है 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, अर्थात 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 में 2 का गुणांक करेंगे तो 4 दूनी 8। एन बराबर 3 लिख दें तो n बराबर 3 लिखने पर तीसरा पद हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यहां n का मान 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 प्लस 2, तो 3 और 2 5, 5 दिया 15, ये मिल गया हमारा तीसरा पद। n बराबर 4 रख दें तो n बराबर 4 रखेंगे तब हमारा चौथा पद मिल जाएगा, चौथा पद मानी a4 बराबर 3, देखो ध्यान दें n की जगह क्या लिखेंगे 4, है ना, तो लिखेंगे 4 ब्रैकेट में एन का मान फिर लिखेंगे 4 प्लस में 2, 4 और 2 6, 6 चौको 24, ये हो गया आपका चौथा पद, ठीक है ना, बिल्कुल आसान काम है। एन बराबर 5 रखेंगे, एन बराबर 5 रखेंगे तब आपका पांचवा पद ज्ञात हो जाएगा, a5 बराबर क्या लिखते हैं एन की जगह 5, फिर एन की जगह 5 प्लस 2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35, ये आपका पांचवा पद हो गया। देखो तो ये आपका इस तरीके से पहला प्रश्न क्लियर हो गया, मानी एनवा पद दिया गया था, इसके प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना था। तो पहले पद में हमने पहला पद निकाला एन बराबर 1 रखा, दूसरा पद निकाला तो एन बराबर 2 रखा, तीसरा पद निकाला एन बराबर 3, चौथा पद एन बराबर 4, और इसी प्रकार एन पांचवा पद निकाला तो एन बराबर 5 रख दिया। तो इस तरीके से पहला पद का मान 3 आ गया, दूसरे पद का मान 8, तीसरे पद का मान 15 और चौथे पद का मान 24 तथा पांचवें पद का मान 35 प्राप्त होता है। क्लियर, हर एक प्रश्न में यही काम करना है। देखिए इसको रब कर दें और ये आपका दूसरा प्रश्न भी देखो हम हल करके आपको दिखा देते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखिए नंबर दूसरा प्रश्न क्या है, इसका भी हमें एनवा पद दिया गया है, ए एन बराबर दिया गया है एन अपॉन में एन प्लस 1, बस एन बराबर 1 लिखोगे पहला पद मिल जाएगा, यहां लिख दें एन बराबर 1 तब ए वन बराबर, मानी एन का मान 1 लिख दें और यहां भी 1 अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। एन बराबर 2 लिखें दूसरा पद मिल जाएगा, तो एन बराबर 2 रखेंगे तब आपका दूसरा पद आ जाएगा 1, देखो एन का मान क्या आप लिखोगे 2 लिखोगे और अपॉन में क्या लिखना है 2 प्लस 1, ठीक है ना, एन का मान 2 लिखेंगे तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा 2/3, ठीक है। एन बराबर 3 लिख दें तो जब एन बराबर 3 लिखेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, एन का मान 3 लिखे, यहां भी 3 लिखें तो 3 और 1/3 में लिखेंगे 3 प्लस 1, अर्थात ये आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना।
एन बराबर चार रखेंगे, तब एन का मान जब चार रखेंगे तब आपको लिखना है चौथा पद बराबर एन का मान लिख दें चार और बटे में लिखेंगे चार प्लस एक, तो क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे चार बटे में चार और एक जोड़ोगे पांच, ठीक है। अब बस अंत में पांचवा पद निकालोगे तो एन बराबर आपको क्या लिखना है पांच रखना है, तब देखो ए पांच बराबर क्या हो जाएगा एन का मान पांच रखेंगे अपॉन में पांच प्लस एक अर्थात ये हो जाएगा पांच बटे में छह। तो इस तरीके से आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और लास्ट में ये आपका पांचवा पद पांच बटे छह मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। देखो सारे प्रश्न एक जैसे हैं, कुछ नहीं करना है, बस केवल मान लिखना है। एन का मान एक रखोगे पहला पद मिलेगा, दो रखोगे दूसरा मिलेगा, तीन लिखोगे तीसरा मिलेगा, और एन का मान चार रखने से चौथा पद मिलेगा, और जब पांच रखोगे तो एन का मान पांच रखने से पांचवा पद आपका प्राप्त हो जाएगा, है ना। सारे एक जैसे प्रश्न है, बस तीसरा देखो और करके दिखा दे। तीसरा क्या लिखा है, ए एन बराबर दिया गया है दो की पावर एन, ठीक, एन बराबर एक रख दो पहले से, एन बराबर एक रखने पर जब एन बराबर एक रखेंगे तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दो की पावर एक अर्थात दो। एन बराबर दो रखने पर, ठीक है, एन बराबर जब दो रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, कितना मिलेगा देखो दूसरा पद दो की पावर दो, दो की पावर दो कितना होता है चार। एन बराबर तीन रख दें तो तीसरा पद मिल जाएगा, तो एन बराबर तीन रखने पर तीसरा पद कितना हो जाएगा देखो दो की पावर तीन, दो दूनी चार दूनी आठ। एन बराबर चार रखेंगे तो एन बराबर चार रखने से आपको मिलेगा चौथा पद ए फोर मिल जाएगा बराबर दो की पावर चार, दो की पावर चार मानी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह। और इसी प्रकार से जब एन बराबर आप पांच रखोगे तो एन बराबर पांच रखने पर आपको मिलेगा पांचवा पद बराबर दो की पावर पांच बराबर कितना हो जाएगा बत्तीस, क्लियर। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, पांचों पद प्राप्त हो गए ना। सारे सवाल एक जैसे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या कुछ लग रहा है कि हमें कुछ बताने वाली बात है, मेरे ख्याल से तो आप कर सकते हो, है ना, बताओ कोई बता दें। और देखो हम पांचवा और बता देते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखें क्या लिखा है पांचवे में। ए एन बराबर हमें दिया गया है कितना, माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू में पांच की पावर एन प्लस वन, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, एन बराबर एक रखोगे तो एन बराबर एक रखने से क्या मिलेगा पहला पद मिल जाएगा, पहला पद एक का एन का मान एक लिखोगे तो क्या मिल जाएगा पहला पद मिलेगा, कितना हो जाएगा माइनस वन की पावर एन का मान एक लिख दें माइनस का एक और इंटू में पांच की पावर एक प्लस एक, एन का मान एक लिखना है बस। अब देखो माइनस वन की पावर जीरो हो गया, किसी भी राशि पर शून्य पावर होती है तो उसका मान तो एक हो जाता है ना, तो ये आपका माइनस वन की पावर ये कितना है जीरो, इसका मान एक लिख देंगे और ये पांच का स्क्वायर, ठीक है, इसका मान एक लिखना है और पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा अर्थात इसका हमें मान क्या लिखना है पच्चीस, ठीक है ना, ये पहला पद हो गया। इसी प्रकार से एन बराबर दो रखोगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा, एन बराबर दो रखने से दूसरा पद बराबर माइनस वन की पावर क्या लिखोगे दो माइनस एक, दो माइनस एक इंटू पांच की पावर दो प्लस एक अर्थात ये आपका देखो दो में से एक हट जाएगा एक बचेगा, तो माइनस वन का एक पावर लिखोगे तो ये तो माइनस का बनवाएगा और यहां पर पांच का क्यूब हो गया, देखो पांच पंचे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और माइनस एक का गुणा करोगे तो माइनस का एक सौ पच्चीस आएगा, ठीक है। एन बराबर दो रखने पर दूसरा पद आपका हो जाएगा कितना माइनस एक सौ पच्चीस। अब आपको एन बराबर तीन लिखना है, तीसरा पद आपको निकालना है तो एन बराबर तीन रखना है तो तीसरा पद मिल जाएगा, देखो ध्यान दें कितना हो जाएगा एन की जगह हमने तीन लिख दिया अर्थात तीसरा पद बराबर हो जाएगा माइनस वन की पावर एन का मान तीन लिख दें और माइनस का एक लिख दें इंटू में पांच की पावर क्या लिखे क्या लिखोगे तीन प्लस एक, ठीक है। अब बताओ माइनस एक की पावर अब यहां पर कितना रह गया दो, तो माइनस एक की पावर दो करोगे मानी दो का मतलब स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, और यहां पर आपको लिखना है पांच की पावर चार तो ये हो जाएगा प्लस का एक और पांच पंचे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचे छह सौ पच्चीस, ठीक है। एक का मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा छह सौ पच्चीस हो जाएगा, है ना। अब एन बराबर चार रखो एन बराबर पांच रखो मेरे ख्याल से कर सकते हो, है ना, रख के दिखा देते चलो
यहां पर इसको हम रब कर दें, हम कौन सा ये पांचवा पार्ट लगा रहे हैं ना, तो चार तक हम रब कर देते हैं। यहां लिख दें एन बराबर चार रखने पर चौथा पद निकल आएगा ए चार बराबर, ठीक यहां रख दें तो देखो ये हो जाएगा माइनस एक की पावर, देखो ये हमारा सवाल तो यही था ना, माइनस एक की पावर एन के का मान कितना लिखेंगे चार, और माइनस का एक इंटू में पांच की पावर क्या लिखोगे एन का मान कितना चार और प्लस एक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और पांच की पावर अब पांच हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में माइनस एक का क्यूब, माइनस का एक होता है इंटू में पांच, ये पांच का पांच बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 625 में और एक बार गुणा कर दो, 625 में पांच का और गुणा कर दो, पांच पंचे पच्चीस हासिल दो, पांच दूनी दस दो बारह हासिल एक, और पांच छक्का तीस और एक इकतीस, तो ये इकतीस पच्चीस हो जाएगा, कितना इकतीस पच्चीस, और माइनस एक का गुणा करोगे तो माइनस का इकतीस पच्चीस हो जाएगा, ये आपका हो गया कौन सा चौथा पद हो गया। अब बस n बराबर पांच रखने से आपको पांचवा पद मिल जाएगा, यहां लिख दें n बराबर पांच रखने पर पांचवा पद हो जाएगा, पांचवा पद बराबर देखो क्या लिखोगे यहां पर आपको लिखना है, ये भी हम आप रफ कर देते हैं ना, पांचवा पद हो जाएगा माइनस वन की पावर n की जगह पांच लिख दें, माइनस का एक इंटू में पांच की पावर n का मान कितना लिखोगे पांच लिखोगे और प्लस का एक, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन की पावर फोर इंटू पांच की पावर कितना हो जाएगा छह हो जाएगा छह, तो बस देखो माइनस एक की चार पावर ये तो प्लस हो जाएगा, इसको तो आपको लिखना है प्लस का एक, और बस छह ये पांच की पावर छह को क्या लिखना है ये इकतीस पच्चीस में फिर दोबारा से पांच का और मल्टीपल कर दो हो जाएगा कम, तो वो पांच पंचे पच्चीस हासिल दो, पांच दूनी दस दो बारह हासिल एक, और पांच एकम पांच और एक छह, और पांच दिया पंद्रह, ये हो गया पंद्रह छह सौ पच्चीस, क्या हो जाएगा पंद्रह छह सौ पच्चीस, एक का मल्टीपल करोगे इतना ही लिखोगे कितना पंद्रह छह सौ पच्चीस, ये आपका पांचवा पद आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पद कहां है, देखो पहला पद ये आपका n बराबर जब एक रखा है तब पहला पद का मान देखो 25 है, n बराबर दो रखा है तो दूसरा पद का मान माइनस का 125 है, जब n बराबर तीन लिखा है तो तीसरा पद का मान कितना है 625 है, और जब n बराबर चार रखा है तो चौथा पद का मान हमारा आया माइनस का 3125, और जबकि n बराबर पांच रखने से पांचवा पद आया है कितना 15625, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक छठवां सवाल बचा है, इसमें भी आपको अब तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, n बराबर एक लिखोगे पहला मिलेगा, n बराबर दो लिखना है, तीन चार पांच, बस पांच पद ज्ञात करना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम एक एक करके स्पष्ट समझ में आपको आया होगा, और आया है तो भाई अटेंडेंस जरूर लगवा दें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आगे प्रश्न नंबर दूसरा देखें। देखिए यहां पर प्रश्न सातवां आठवां नौवां और दसवां, ये बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जो अभी आपने किए, यहां पर अनुक्रम का एनवा पद दिया गया है और इसका सत्रहवां पद पूछा गया और इसका चौबीसवां भी पद पूछा गया। दूसरे वाले जो आठवां नंबर का सवाल है उसमें भी देखो अनुक्रम का एनवा पद दिया गया है, इसका सातवां पद केवल सातवां पद पूछा गया है, यहां पर भी एनवा पद दिया गया है और इसका नवा पद पूछा गया है, जबकि इस दसवें वाले प्रश्न में एनवा पद दिया गया है और इसका बीसवां पद आपसे पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए पहले आपको करना है प्रश्न संख्या सात, देखिए एनवा पद दिया गया है चार एन माइनस का तीन, एन बराबर आपको सत्रह लिख देना है, एन बराबर सत्रह रखने पर आपको मिलेगा सत्रहवां पद, कितना हो जाएगा ए सत्रह बराबर, देखो चार और एन का मान लिख दें सत्रह और माइनस का तीन, सत्रह चौको अड़सठ होता है, इसमें से तीन कम कर लें तो अड़सठ में से जब तीन घटाएंगे तो क्या बचेगा पैंसठ बचेगा, है ना, लिख दें पैंसठ, एक आपका ये हो गया सत्रहवां पद का मान हो गया। अब आपको चौबीसवां पद ज्ञात करना है तो n बराबर चौबीस रख दें, चौबीसवां पद ज्ञात हो जाएगा, n बराबर चौबीस रखने पर कितना हो जाएगा a चौबीस अर्थात चौबीसवां पद बराबर लिख दें चार और n का मान लिख दें चौबीस और माइनस में लिखना है तीन, चौबीस चौको कितना होता है छियानवे, इसमें से तीन कम करेंगे तो बचेगा आपका कितना तिरानवे बचेगा, है ना, ये हो गया आपका चौबीसवां पद, क्लियर। इसके बाद देखो आठवां सवाल,
सारे सवाल हमने बताया एक जैसे हैं, बस केवल आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है सात रखना है एन का मान। तो एन का मान जब सात रखेंगे तो ए सात का मान हो जाएगा, सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर कितना होता है, सात सत्ते उनचास, तो ये हो जाएगा ऊपर अंश में कितना हो जाएगा, उनचास हो जाएगा, जबकि हर में कितना हो जाएगा, दो की पावर सात, मतलब दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस, ये नीचे हर में हो जाएगा एक सौ अट्ठाईस और ऊपर हो जाएगा सात का स्क्वायर मानी सत्य उनचास बटे एक सौ अट्ठाईस आंसर आ जाएगा, मौखिक है ये तो, है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो इसमें जो नौवां नंबर का प्रश्न लिखा है वो क्या है, इसको रब कर देते हैं। देखो हम आपको बताते हैं प्रश्न संख्या नौ, इसमें भी आपको क्या करना है, देखो लिखा है एनवा पद बराबर दिया गया है माइनस एक की पावर एन माइनस एक इंटू एन का क्यूब, और आपसे पूछा गया है नौवां पद बताइए, तो आपको ए बराबर क्या है, सॉरी एन बराबर क्या लिखना है, नौ लिख लेना, एन बराबर नौ रखने पर ये हो जाएगा ए नौ बराबर मानी नवा पद बराबर माइनस एक और इसकी होल पावर हो जाएगी नौ माइनस एक इंटू एन का मान नौ लिखना है होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक की पावर आठ हो जाएगा और नौ निम इक्यासी निम सात सौ उनतीस होता है, होता है ना, सात सॉरी नौ का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा सात सौ उनतीस। अब माइनस एक का जब आठ पावर लिखना होता है तो क्या ये प्लस का एक हो जाएगा और प्लस एक और इसमें गुणा करना है सात सौ उनतीस का, तो एक का गुणा करोगे इतना ही आएगा सात सौ उनतीस, ठीक है ना। ये हो गया नौवां पद, क्लियर। दसवां सवाल में देखो क्या है, यहां पर एन बराबर बीस लिखना है, यहीं पर लिख के दिखा देती है, देखो एन बराबर यहां लिख दें बीस रखने पर, तो ये ए और एन का मान लिख दें 20 और बराबर का निशान लगाएं, यहां पर एन की जगह क्या लिखोगे 20 कोष्टक लगाओ और एन का मान फिर लिख दें 20 और 20 में से आपको ये दो घटा देना है और अपॉन में लिखना है एन का मान 20 प्लस में तीन, ठीक है। तो ये ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 20 गुणे देखो 18, क्योंकि 20 में से दो घटेगा 18 बचेगा और नीचे आपका 20 और 3 23 हो जाएगा, तो बस ऊपर का गुणा कर दें और बटे में 23 ज्यों का त्यों लिखा रहे हैं, 18 दूनी 36 मानी 360 हो गया और बटे में 23 ये आंसर आ गया, 20वां पद निकल आया, ठीक है ना। सारे प्रश्न सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवें के बाद 11वां नंबर प्रश्न देखें। देखिए अनुक्रम के प्रथम पांच पद लिखिए, इसमें भी पांच पद लिखना है और इसकी संगत श्रेणी भी बनानी है। लिखा है जबकि पहला पद दो को तीन दिया गया है तो इसका मतलब हमें दूसरा पद निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है, पांच ही तो निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले देखो, यहां पर ए वन का मान तो मानी पहला पद तो तीन दिया गया है और ए एन बराबर दिया गया है तीन इंटू ए एन माइनस वन प्लस दो, जबकि एन का मान कितना रखना है, एक से ज्यादा रखना है। क्यों एक क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एक रखने से ए वन मिलेगा, वो तो हमने तीन पहले ही से रख रखा है ना, प्रश्न में दिया गया है। तो आपको लिखना है एन बराबर दो तीन चार रखने पर, बारी बारी से इनको रखेंगे तो ये आपका दूसरा तीसरा और चौथा और यहां पर पांचवा भी लिखना है, लिख दें पांच रखने पर, है ना, पांचों पद आपके ज्ञात हो जाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले एन बराबर दो लिखेंगे तो ये ए टू का मान निकल आएगा, एन की जगह दो लिखेंगे तो ए टू का मान कितना हो जाएगा, तीन इंटू में ए एन का मान कितना लिख दें दो माइनस का एक प्लस में दो, ठीक है। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, तीन ए दो में से एक घट जाएगा ए वन बचेगा और प्लस का कितना लिखना है दो लिखना है। अब देखो ध्यान दें ए वन की वैल्यू प्रश्न में तीन दी गई है तो यहां पर तीन लिख देना है, तीन इंटू तीन और प्लस का दो बराबर तीन त्रिका नौ और दो कितना हो जाएगा ग्यारह, तो ये हमारा हो गया दूसरा पद ए टू बराबर ग्यारह, ठीक है। अब एन बराबर तीन लिख दें, एन बराबर तीन रखने पर मानी आपको मिलेगा तीसरा पद, क्या हो जाएगा तीसरा पद बराबर, ये देखो इसी में रख दें, किसमें जो हमारा अनुक्रम दिया गया है उसी में रखना है, देखो तीन अनुक्रम का एनवा पद दिया है उसी में आपको लिखना है, यहां पर लिख देते हैं ना, एन का मान देखो तीन लिख दिया तो ये हो गया ए थ्री फिर बराबर थ्री इंटू ए का मान ए और एन की जगह पे आपको तीन लिखना है माइनस का एक लिखना है प्लस दो अपनी जगह, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीन इंटू ए टू प्लस टू, देखो तीन में से एक घटेगा तो टू बचेगा ना, ए टू बचेगा। अब ए टू का मान हमने देखो पहले निकाल रखा है, ए टू बराबर ग्यारह है तो आपको लिखना है ग्यारह और प्लस का दो, ठीक है। ग्यारह तिया तैंतीस और तैंतीस में दो जोड़ना है तो क्या हो जाएगा पैंतीस, ये हमारा हो गया कौन सा पद, तीसरा पद, ठीक है।
चौथा पद कैसे निकालोगे, एन बराबर चार रख दो, एन बराबर चार रखने पर, ठीक है यहां पर रख दे, देखो ए एन का मान चार रख दे, अर्थात चौथा पद निकल आया है ना। क्या लिखोगे, देखो तीन इंटू ए एन का मान चार रख दे माइनस का एक और प्लस में दो, तो ये हमारा हो जाएगा तीन इंटू में चार में से एक घटाओगे तीन बचेगा, तो लिख दें ए थ्री और प्लस का दो बराबर में तीन इंटू ए थ्री का मान, देखो हमने ये पहले निकाल रखा है कितना पैंतीस, तो यहां लिख दें हम पैंतीस और प्लस में दो, पैंतीस में तीन का गुणा करेंगे तो देखो तीन पंचे पंद्रह, तीन तीन नौ और एक दस, एक सौ पांच में दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा एक सौ सात, ये आपका चौथा पद हो गया। अब आपको लिखना है n बराबर पांच, तो पांचवा पद निकल आएगा n बराबर पांच रखने पर, देखो यहां रख दें a n का मान लिख दें पांच बराबर का निशान लगाएं और थ्री इंटू में a पांच माइनस वन, n का मान पांच रख दें माइनस वन और प्लस टू, ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री इंटू में a फोर प्लस में टू, अर्थात थ्री इंटू ए फोर, ए फोर का मान कितना लिखोगे 107, 107 लिख दो और प्लस में दो, तीन का गुणा करो तीन तीन सत्ते इक्कीस और तीन एकम तीन कितना हो गया 321 और प्लस का दो और जोड़ दो इसी में कितना हो जाएगा 323, ठीक है ये आपका हो गया पांचवा पद, इतना क्लियर हो गया। अब हमने ये पांचों पद पूछे गए थे वो तो निकाल लिया, अब श्रेणी और बनानी है, यहां पर लिख दें संगत श्रेणी, संगत श्रेणी मतलब संगत श्रेणी का क्या मतलब, इन्हीं पदों को लेकर के हमें श्रेणी बनानी है वो लिखनी है। तो वह पहला पद सवाल में दिया गया था वही लिखना है तीन प्लस, दूसरा पद कितना लिखना है, दूसरा पद देखो ये हमारा ग्यारह निकला है तो लिखना है ग्यारह प्लस, तीसरा पद कितना लिखना है, तीसरा पद पैंतीस आया तो लिखना है पैंतीस प्लस, इसके बाद चौथा पद कितना है 107 और लास्ट में पांचवा पद प्लस करके लिखना है 330, 330, ठीक है बस ये हमारी श्रेणी बन गई, ठीक आगे प्लस डॉट डॉट करके और छोड़ दो आगे, ठीक है लेकिन हमें पांच पद की श्रेणी निकालनी है तो पांच पद हमने बना दिए बाकी और आगे छोड़ दो, ठीक है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको पांच पद ज्ञात करने हैं, प्रथम पांच पद है ना और श्रेणी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको पांच पद बनाने हैं और इसकी श्रेणी बनानी है, चलिए हम करके दिखा देते हैं। देखो ध्यान दें इसमें पहला पद का मान माइनस एक दिया गया है और हमें दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है, एन का मान कितना लिखना है, दो लिखना है या दो से बड़ा लिखना है, ठीक है ना, एक क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि एक रखने से पहला पद मिलेगा वो हमारा प्रश्न में दिया गया है, तो यहां पर लिख दें हमें क्या दिया गया है, यहां लिख दें दिया है ए वन बराबर माइनस एक तथा दूसरा एक दिया गया है एनवा पद वो है कितना ए एन माइनस वन अपॉन एन, यहां लिख दें एन बराबर दो रखने पर, एन बराबर दो रख दें तो आपको मिलेगा दूसरा पद मानी ए टू, कितना हो जाएगा ये ए एन का मान लिख दें दो माइनस का एक और अपॉन में क्या लिख दें एन का मान दो, ठीक है तो ऊपर हमारे सामने दो में से एक घट जाएगा क्या बचेगा ए वन बचेगा और अपॉन में दो लिख दें, अब ए वन का मान प्रश्न में दिया गया है माइनस एक और ये अपॉन में दो ज्यों कहते हो तो ये एन बराबर दो रखने से जो दूसरा पद मिलेगा वो हो जाएगा माइनस एक बटे दो, सही है। इसके बाद एन बराबर तीन लिख दें तो एन बराबर तीन रखने पर आपको मिलेगा तीसरा पद ए थ्री मिल जाएगा है ना, तो यहां पर देखो n की जगह हमने तीन लिख दिया और बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे a n का मान तीन माइनस का एक और अपॉन में तीन, ठीक है तो ये हमारी समझ में आपको समझ में बिल्कुल सही सही आ रहा होगा a2 और अपॉन में तीन, तीन में से एक घटेगा दो बचेगा ना a2 बचेगा और अपॉन में तीन, तो a2 की वैल्यू हमने पहले से ऑलरेडी निकाल रखी है एक बटे दो और बटे में ये तीन लिख दें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एक बटे छः, कितना तीसरा पद का मान ये निकला है ना। इसके बाद अब आपको निकालना है चौथा पद तो n बराबर चार रख दें तो n बराबर चार रखने पर a चार बराबर आपका निकल आएगा है ना,
ए चार बराबर देखो कितना निकलेगा, एन का मान हमने चार रख दिया, बराबर का निशान लगाएं और ए एन का मान लिखेंगे चार माइनस का एक और अपॉन में एन का मान चार रखना है, है ना। तो ये हमारे पास देखो ऊपर बचेगा कितना, ए थ्री हो जाएगा, चार में से एक घटेगा तीन, ए थ्री और अपॉन में फोर। अब ए थ्री का मान आपने पहले निकाल रखा है कितना, माइनस एक बटी छह, तो माइनस का एक बटी छह और बटे में चार रखोगे तो कितना लिखोगे यहां पर, माइनस का एक बटे छह चौको चौबीस, सही है। इसके बाद n बराबर आपको पांच रखना है, n बराबर पांच रखने पर तो a पांच की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी, n की जगह पांच रख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा a n का मान पांच लिखेंगे माइनस का एक और अपॉन में n का मान पांच लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a फोर अपॉन फाइव, है ना। a फोर की वैल्यू देखो हमने निकाल रखी है माइनस का एक बटे चौबीस और अपॉन में लिखना है फाइव, ठीक। तो बस इनका यहां पर पांच का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का एक बटे चौबीस गुणे में पांच, बराबर में हो जाएगा माइनस एक बटे के पांचों को बीस हासिल दो और पांच दूनी दस और दो बारह मानी एक सौ बीस, माइनस एक सौ बीस, ठीक, माइनस एक बटे एक सौ बीस, ये आपका हो गया पांचवा पद। अब आपको क्या करना है, संगत श्रेणी बनानी है, तो यहां लिख दें संगत श्रेणी कितनी हो जाएगी, संगत श्रेणी पहला पद कितना निकला ये देखो हमारा है कहां पर, पहला पद तो प्रश्न में दिया गया है माइनस एक, ठीक, प्लस दूसरा पद, दूसरा पद है माइनस का एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, प्लस तीसरा पद कितना है देखो, तीसरा पद आपका माइनस का एक बटे छह, प्लस इसके बाद चौथा पद कितना है, चौथा पद आपका माइनस का एक बटे चौबीस है और प्लस पांचवा पद आपका है माइनस एक सौ बीस, माइनस एक बटे एक सौ बीस और प्लस करके आगे छोड़ दें, है ना। तो ये हमारे पास रेडी बन जाएगी माइनस का एक, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे एक बटे दो, फिर माइनस का एक बटे छह, माइनस का एक बटे चौबीस और माइनस का एक बटे एक सौ बीस और माइनस डॉट डॉट करके आगे छोड़ दें, तो ये हमारी संगत रेडी बनके तैयार हो, क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेरहवा देखें, तेरहवें सवाल में भी देखो इसको हम रब कर देते हैं और तेरहवां भी आपको करके दिखा देते हैं, है ना, इसको रब कर दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब आपको देखना है प्रश्न संख्या 13। देखिए तेरहवें भी बात तो वही पूछी गई है जो बारहवें में पूछी गई, वही तेरहवें में आपसे देखो यहां पर दिया गया है, सबसे पहले पहला पद दिया गया है ए वन, दो दिया गया है ए टू, ये भी देखो दो दिया गया है, ए वन बराबर ए टू बराबर दो, दोनों दो दो दिए गए, जबकि एनवा पद ये दिया गया है कितना, एनवा पद बराबर है ए एन माइनस वन माइनस वन, ये आपका एनवा पद दिया गया है। एन का मान कितना लिखना है, दो से अधिक लिखना है, दो तक क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद ये हमें सवाल में दिया गया है, तीसरा चौथा पांचवा ये निकालना है, तो हमें निकालना है एन बराबर रखना है कितना, तीन, दो से अधिक मानी तीन, एन बराबर तीन रखने पर तीसरा पद हमारा मिल जाएगा। देखो ए एन का मान रखेंगे तीन तो तीसरा पद हमारा ज्ञात हो जाएगा, कितना, ए एन का मान लिख दें तीन माइनस का एक माइनस एक, अर्थात ये हो जाएगा ए टू माइनस वन, ए टू की वैल्यू, ए टू की वैल्यू टू है ना, ए टू बराबर टू, तो लिख दें टू माइनस वन इक्वल टू वन, ये आपका तीसरा पद हो गया, है ना। अब रख दें एन बराबर चार, एन बराबर चार रखने पर कितना मिलेगा, देखो n का मान अगर चार रखेंगे तो a n का मान लिख दें चार, बराबर का निशान लगाएं, a n का मान लिखेंगे चार माइनस का एक और माइनस एक, तो ये हो गया a थ्री माइनस एक, a थ्री की वैल्यू कितनी है, एक है, तो लिख दें एक माइनस एक बराबर जीरो हो जाएगा, चौथा पद शून्य हो जाएगा, है ना। अब पांचवा पद देख लो, एन बराबर पांच रखने पर पांचवा पद मिल जाएगा, तो एन बराबर पांच रखने पर होगा ए फाइव बराबर, मानी ए पांचवा पद, देखो ध्यान दें इसमें रख दें n का मान पांच रख दें, बराबर का निशान लगाएं, फिर a n का मान कितना लिखोगे, पांच माइनस का एक और माइनस एक, सही है। तो ये हमारा बचेगा a4 और माइनस एक, a4 की वैल्यू देखो हमारी कितनी है, जीरो है, तो जीरो माइनस एक बराबर माइनस एक हो जाएगा, है ना। तो पांचवा सॉरी पहला पद दूसरा पद ये देखो सारे हमें प्रश्न में, देखो पहला पद प्रश्न में दिया है, दूसरा पद भी प्रश्न में दिया है, तीसरा पद का मान हमने निकाला है एक और ये चौथा पद का मान है जीरो, जबकि ये पांचवा पद का मान है माइनस एक। अब आपको लिखनी है संगत श्रेणी, संगत श्रेणी देखो बनाओ कितनी बनेगी, ये यहां पर लिख के दिखा देते हैं। पहला पद देखो कितना है, पहला पद का मान है दो,
प्लस दूसरा पद भी आपका है दो, प्लस तीसरा पद का मान है देखो कितना एक, प्लस चौथा पद का मान है जीरो, प्लस पांचवा पद का मान है माइनस का एक, ठीक है। तो और आगे डॉट डॉट करके छोड़ दें तो ये हमारी संगत श्रेणी बन के तैयार हो गई, ठीक है ना, एकदम क्लियर। बस अंतिम एक प्रश्न और है उसको भी देख लेते, तो आपको देखना है प्रश्न संख्या 14 जो कि एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। क्या लिखा है, फाइबोनैकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। तो मेरे ख्याल से हम सवाल पढ़ें इससे पहले एक शब्द जो दिख रहा है फाइबोनैकी अनुक्रम, ये क्या है पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये है तो एक आपका अनुक्रम जैसा कि अभी हम बताते रहे हैं वैसा ही है, लेकिन एक स्पेशल नाम इसका है फाइबोनैकी अनुक्रम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऐसा एक अनुक्रम बनाना है मानी ऐसी संख्याओं को व्यवस्थित करना है जिसमें अगला पद जो मिलेगा वो पीछे वाले दोनों पदों के योग के बराबर आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे, जैसे पहला पद हम जीरो मान लें, ठीक, इसका दूसरा पद हम एक मान लें, अब तीसरा पद इन दोनों पदों का योग होगा मानी तीसरा पद भी आपका एक होगा, ठीक है। अब जो चौथा पद होगा वो इन दोनों पदों का योग होगा मानी दो होगा, जो अगला पद होगा वो इन दोनों पदों का योग होगा मानी तीन होगा, अब इससे अगला पद तो तीन और दो पांच लिखेंगे, फिर इससे अगला पद पांच और तीन आठ लिखेंगे, फिर इससे अगला पद आठ पांच तेरह लिखेंगे। अब ज्यादा क्या लिखें, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये अनुक्रम तैयार होगा, इसको हम कहते हैं फाइबोनैकी अनुक्रम, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं। यहां पर देखो लिखा है A1 बराबर है एक और A2 बराबर भी एक है, पहला पद और दूसरा पद दोनों एक एक है, जबकि nवां पद दिया गया है an-1 प्लस an-2, n का मान हमें दो से अधिक लिखना है, तो an+1 / an की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यहां पर समझें, और n बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां पर आओ, अगर हम देखो हमें किसकी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए एन का मान एक लिखेंगे तो एक प्लस एक बराबर ये दो ऊपर दो हो जाएगा, और अपॉन में एन का मान एक लिखेंगे मानी ए वन, मतलब एक तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। जब एन बराबर एक लिखोगे तो यही तो मिलेगा। इसके बाद अगर हम एन बराबर दो लिख दें तो दो लिखोगे तो ये हो जाएगा ए एन का मान दो लिख दें, दो में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और अपॉन में ए एन का मान दो लिखेंगे तो ए थ्री अपॉन ए टू की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसी प्रकार अगर हम n बराबर तीन लिख देंगे तो तीन प्लस एक मतलब चार, और अपॉन में a तीन इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद जब चार लिखेंगे तो चार और एक पांच हो जाएगा, मानी a पांच बटे में a चार इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जबकि n का मान जब पांच लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a छ और बटे में a पांच इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बस इतनी वैल्यू हमें पूछी गई है। तो इनको हम ज्ञात करने के लिए, जब इनको हम ज्ञात करेंगे तो हमें ये चाहिए ना, ए टू चाहिए ए वन चाहिए, तो ए वन और ए टू तो प्रश्न में दिया गया है, ए थ्री चाहिए ए फोर चाहिए ए फाइव चाहिए ए सिक्स चाहिए, यही तो चाहिए। तो चलो हम देखो यहां पर करके दिखा देते हैं। यहां पर हमें दिया है क्या दिया गया है, ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब आपको यहां पर एन बराबर दो लिखना है, दो नहीं दो से बड़ा, क्योंकि दो तक तो ये हमारा दिया गया है, ए वन का मान दिया है ए टू का मान दिया गया है, ए तीन लिख दें सॉरी एन बराबर तीन लिख दें, तो एन बराबर तीन रखने पर क्या मिल जाएगा, ए थ्री मिल जाएगा। एन का मान तीन लिखेंगे तो ए तीन बराबर हो जाएगा ए तीन माइनस एक प्लस ए तीन माइनस दो, अर्थात ये क्या हो गया ए टू प्लस ये क्या हो गया, तीन में से एक घटेगा तो सॉरी तीन में से दो घटेगा तो एक बचेगा, है ना। अब बताओ ए दो का मान देखो कितना है, ए टू बराबर एक है, प्लस ए वन का भी मान एक है, तो हम कह सकते हैं ए थ्री का मान हमारा दो निकला है, देखो एक प्लस एक बराबर दो, है ना, ए तीन का मान ये निकला है, सही है। इसके बाद एन बराबर चार रख दें तो एन बराबर चार रखने पर देखो क्या मिलेगा, एन बराबर चार रखने पर हो जाएगा ए चार बराबर, यहां पर रख दिया देखो एन का मान चार और बराबर ए एन का मान चार माइनस का एक प्लस ए एन का मान चार माइनस का दो,
ये हो गया ए थ्री और प्लस ए टू। अब ए थ्री और ए टू का मान लिख दें, ए थ्री का मान हमने दो निकाल लिया, ए टू का मान प्रश्न में एक दिया गया है तो ये तीन हो गया, दो और एक तीन है ना। इसके बाद आपको n बराबर चार रख देना है, सॉरी पांच है ना, n बराबर पांच रखने पर, n बराबर पांच रखने पर क्या मिल जाएगा, a पांच का मान मिल जाएगा, a पांच बराबर n का मान पांच, a पांच माइनस का एक प्लस a पांच माइनस का दो, तो ये हमारा हो जाएगा a फोर और प्लस का a थ्री। तो कोई यहां पर आपको रब करना पड़ेगा है ना, इसको रब कर देते हैं, तो ये हमारा निकलेगा कितना, देखो a5 की वैल्यू निकल आएगी, a5 बराबर कितना, a4 का मान लिख दें, a4 का मान देखो ये लिखा है तीन, लिख दें तीन, और प्लस a3, a3 का मान बताओ कितना है, a3 का मान टू है, तो ये आपका जुड़ जाएगा कितना पांच हो जाएगा, a5 बराबर पांच हो गया। अब n बराबर अगर आपको छह रखना है तो a6 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो a6 बराबर मान यहां लिख दें n बराबर छह रखने पर, n बराबर छह रखने पर तो ये हो जाएगा ए छह बराबर, यहां रख दें ए छह बराबर, ए एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान रखना है छह माइनस का एक और प्लस ए एन का मान रखना है छह माइनस का दो, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ए फाइव प्लस ये हो जाएगा ए फोर। अब ए फाइव और ए फोर के मान रख दें, ए फाइव का मान देखो ये देखा है, ए फाइव बराबर आपका कितना है, ए फाइव बराबर फाइव है तो लिख दें फाइव, प्लस ए फोर, ए फोर का मान देखो ये है थ्री तो लिख दें थ्री, तो ये आपका पांच तीन आठ बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई जहां पे आप पहुंच रहे थे वहीं पे आ जाओ, यहां लिख दें ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले एन बराबर एक रखना है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहां लिख दें एन बराबर एक रखने पर, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ए एन का मान लिख दें एक प्लस में एक और अपॉन में लिख दें ए एन का मान एक, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर ए टू और अपॉन में नीचे ए वन। अब बताओ ए टू और ए वन की मान हमने निकाल रखे हैं, वो रख दें, तो ए टू का मान कितना है, ए टू का मान प्रश्न में दिया गया एक और ए वन का मान भी एक है, तो ये तो आपका एक बटे एक मान एक ही हो गया, सही है। अच्छा एन बराबर दो रखें, अब एन बराबर दो रखने पर, तो जब n का मान दो रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, n बराबर दो रखने पर यहीं पर रखें a n का मान लिख दें दो प्लस में एक और अपॉन में a n का मान फिर दो रख दें, है ना, ऊपर हो जाएगा आपका a3 अपॉन में नीचे हो जाएगा a2। अब a3 और a2 की मान लिख दें, a3 का मान देखो कितना है, ये लिखा है a3 बराबर ये देखो दो है ना, a3 का मान दो लिखना है और a1 का मान प्रश्न में आपका a सॉरी a2, a2 का मान प्रश्न में एक दिया गया है तो आपको लिखना है दो बटे एक, क्या लिखना है दो ऊपर और अपॉन में एक, मान दो हो गया है ना। इसके बाद n बराबर आपको तीन लिखना है, n बराबर तीन रखने पर, तो a जब n का मान तीन लिखेंगे तो देखो यहां पर रखें a n का मान लिख दें तीन और प्लस में एक और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है a n का मान तीन, ऊपर हो जाएगा a4 अपॉन में हो जाएगा a3। अब a4 और a3 के मान लिख दें, a4 का मान देखो क्या है, ये लिखा है कहां पर, ये देखो a4, ये देखो तीन, तो a4 का मान तीन लिखना है और a3 का मान आपका दो है तो दो लिखना है, तो तीन बटे दो हो जाएगा ये, तीन बटे दो, ठीक है। इसके बाद n बराबर चार रखना है, n बराबर चार रखने पर, तो n का मान चार रखोगे तो देखो ये यहां पर रखो a n का मान कितना लिख दें चार और प्लस में एक और अपॉन में क्या लिखोगे a n का मान चार, तो ऊपर हो जाएगा a पांच और अपॉन में a फोर, तो a पांच और a चार के मान बताओ, a पांच ये लिखा है देखो a पांच बराबर पांच है ना, और a चार, ए चार का मान देखो कितना है, ए चार का मान तीन है तो ऊपर आपको पांच बटे में तीन लिखना है, कितना ऊपर लिखना है पांच और नीचे बटे में तीन लिखना है, ठीक है ना। ये देखो ए फाइव की वैल्यू फाइव है और ए फोर की वैल्यू थ्री है तो ये आपकी थ्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस एक और आपका लिखना है, देखो जगह थोड़ी कम है हम यहां लिख के दिखा देते हैं, यहां इतना है ना। अब आपको क्या करना है, एन बराबर आपको चार के बाद पांच लिखना है, एन बराबर पांच रखने पर, पांच रख दें तो इसमें रखें देखो a और n का मान लिखें पांच और प्लस का लिखेंगे एक और अपॉन में a n का मान लिखेंगे पांच, ऊपर हो जाएगा a6 और नीचे हो जाएगा a5, तो बताओ a6 की वैल्यू
ये निकाल के आपने रखी है ए सिक्स की वैल्यू, देखो एट है ना, तो लिख दें आठ, और बटे में ये ए फाइव की वैल्यू कितनी है, ए फाइव की वैल्यू देखो फाइव है तो लिख दें फाइव, ठीक है। तो ये इस तरीके से ए एन बराबर पांच रखने से ये आपका मान निकल आएगा, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था, जब एन का मान एक लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, एन का मान दो लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन का मान तीन लिखेंगे तो क्या आएगी, एन का मान चार लिखेंगे और एन का मान पांच लिखेंगे। इस तरीके से ये पांच मान हमारे ज्ञात हो गए। ये आपका एन बराबर एक रखने से एक मान प्राप्त होता है, और एन बराबर दो रखने से ये देखो एक मान ये है, दो रखने से ये मान प्राप्त होता है, एन बराबर तीन लिखने से ये, और एन बराबर चार रखने से ये, तथा एन बराबर पांच रखने से ये मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक एक करके सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब आज मेरे ख्याल से बस इतना ही आपको पढ़ना है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको फिर मिलेंगे, तब तक लेवर।